न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। एक बड़ी खबर खरगोन जिले के भगवानपुरा से आ रही है, जहां पर नेपा नगर से भोंगरिया हाट देखकर वापस लौट रहे ग्राम महारल और रास गांगली के ग्रामीण हुए हादसे का शिकार। एक की मौत हो गई है और 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामला दरअसल झिरनिया थाना क्षेत्र के मुंडिया गांव के पास रविवार की देर रात नेपा नगर भोंगरिया हाट बाजार से लौट रहे ग्रामीणों का बोलेरो वाहन पलटने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बोलेरो वाहन का अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर वे वाहन सड़क किनारे पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय गोरेलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मृतक सहित 5 घायलों को एम्बुलेंस की मदद से खरगोन जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सभी लोग बोलेरो वाहन से नेपा नगर के भोंगरिया हाट से अपने गांव महारेल और रास गांगली लौट रहे थे। इस दौरान झिरनिया थाने के पास मुंडिया गांव के पास टायर फटने से बोलेरो वाहन पलट गया। सभी घायल भगवानपुरा तहसील क्षेत्र के महारेल और रस गांगली गांव के निवासी है। ये नेपा भगवरिया देखने गए थे, एक बोलेरो गाड़ी मुंडिया के पास टायर फटने से बता रहे हैं कि पलटी खा गई है, जिसमें 6 लोग घायल थे, जिसमें से एक शांत हो गया। गोरेलाल पिता रतन, जाति बिलाला भील, उम्र 45 वर्ष, निवासी महारेल, थाना बिस्टान का। बाकी लोगों का क्या हो रहा है? बाकी लोग घायल हैं, अभी भर्ती हैं हड्डी वार्ड में। 5 लोग घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। एक की मौत हो गई? एक की मौत हो गई। क्या कारण क्या बताया जा रहा? ये भगोरिया देखने गए थे नेपा, उधर से वापस आ रहे थे, मुंडिया के पास में गाड़ी का टायर फटने से पलटी खा गई, फिर ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है ASI राम नरेश शर्मा, चौकी प्रभारी अस्पताल जिला खरगोन।